अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर है, लाइट इन द नाइट। ठीक है, और आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स पे पेज नंबर ओपन करना है। पेज है आपका 8। ठीक है, ओपन योर पेज 8। और लेसन है लाइट इन द नाइट। तो लाइट इन द नाइट, जैसे कि आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इस स्टोरी में उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया होगा। लाइट क्या होती है? रोशनी। और नाइट यानी रात के वक्त जो रोशनी है उसके अबाउट बताया हुआ है। ठीक है, और ये स्टोरी जो है वो उन्होंने लंदन के अबाउट बताई है कि लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। ये एक बड़ा कैपिटल सिटी है। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। और रात के वक्त ये इसी तरह से जगमगाता हुआ दिखाई देता है जिस तरह से बाकी मॉडर्न सिटीज़ जो है वो हमें दिखाई देते हैं। बिफोर द 1700s लंदन वॉज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ। यानी 1700s की अगर हम बात करें तो लंदन जो था वो बहुत छोटा था, यानी आज के लंदन के मुकाबले में। ठीक है, ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज। यानी जब क्लाउडलेस यानी बादल वगैरह होते थे और मूनलाइट नाइट जो होती थी उसमें लोग क्या करते थे कि मूनलाइट का फ़ायदा उठाते थे, एडवांटेज लेते थे और सोशलाइज के लिए। यानी सोशलाइज क्या होता है? इंटरेक्ट विद अदर्स, यानी दूसरे लोगों के साथ बाहर जो है वो जाके मिलते थे और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो बाहर बैठ के लोगों के साथ इंजॉय करते थे, उसको सोशलाइज कहते हैं। और वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये सोशलाइजिंग करते थे? मूनलाइट का। ठीक है, बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस। लेकिन रात के वक्त, जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता था। यू कुड ट्रिप फॉल एंड इंजर योर सेल्फ। तो रात की वजह से, रोशनी ना होने की वजह से, अंधेरे की वजह से आप गिर सकते हो या आपको कोई चोट वगैरह भी आ सकती है। इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप रिवर में गिर गए, यू कुड ड्राउन, तो आप डूब सकते हो। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाई क्रिमिनल्स, आप पे कोई हमला कर सकता है, या रोब्ड, आपको कोई लूट सकता है, मतलब कोई चोर वगैरह लूट सकता है। बाई क्रिमिनल्स यानी मुजरिमों के थ्रू आपको लूटा जा सकता है। हु रोम्ड द स्ट्रीट्स, रोम्ड क्या होता है? यानी जो भटकते फिरते हैं, आवारा फिरते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, इस तरह के लोग आपको जो है वो रॉब कर सकते हैं। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट इफ़ पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, और इफ़ दे वर रिच इनफ पे समवन एल्स टू कैरी इट। तो रात के वक्त जब लंदन में लोग निकलते थे तो वो अपने साथ बर्निंग टॉर्च या लैम्प लेके निकलते थे, और अगर कोई उनमें से रिच होता था, जिसके पास मतलब इतनी उसकी हैसियत होती थी, उसके पास पैसे होते थे, वो अमीर होता था, तो वो कोई ऐसे लड़के का इंतज़ाम करता था जो बर्निंग टॉर्च या लैम्प को उसके साथ लेके चले। ठीक है, देयर वर मैनी लिंग बॉयज़ हु वुड फॉर अ स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल सो डैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स। और उस ज़माने में क्या होता था कि लिंक बॉयज़ होते थे जो कि उन लोगों की हेल्प करते थे, ताकि वो टॉर्च वगैरह को हाथ में लेके और लोगों के आगे चल सकें, ताकि उन्हें रोशनी में यानी अंधेरी गलियों में चलते हुए मतलब किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट एंड वुड रॉब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड दैम एंड देन रन ऑफ एंड लीव दैम इन द डार्क। और उनमें से कुछ ऐसे भी होते थे जो मतलब डिसऑनेस्ट होते थे, यानी लिंक बॉयज़ जो उनके काम आ रहे होते थे वो इतने ज़्यादा डिसऑनेस्ट होते थे, यानी गैर ईमानदार होते थे, कि वो लोगों को लोगों का काम भी नहीं करते थे और उनको मतलब उनसे चीज़ें वगैरह चुरा के तो वो भाग जाते थे। बाय द अर्ली 1700s बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़। और फिर 1700s में बिजी सिटीज़ लाइक लंदन और पेरिस में स्ट्रीट लैम्प्स जो थे वो लगा दिए गए। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ हाउसेज। पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग। और ये एक कानून भी नाफिज कर दिया गया कि रात के वक्त हर किसी की विंडो में एक जो लैंप है वो सारी रात चलता रहेगा। इफ़ द लैंप वेंट आउट पीपल वुड हैव टू गेट अप टू री लाइट इट
और फेस बीइंग फाइन। और अगर लोगों ने वो लैम्प जो है वो बुझा दिया, अगर वो रोशनी बुझा दी, तो उसकी वजह से उनको वो दोबारा रोशन करने पड़ेगा, रीलाइट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको भी फाइन होगा। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स, कुछ लोगों ने ये खिदमात भी देना शुरू कर दी लैम्प लाइटर की। इन रिटर्न फॉर पेमेंट लैम्प लाइटर वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वॉज लिट। द स्ट्रीट लैम्प्स ये शोड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। द अथॉरिटीज रियलाइज्ड द बेनिफिट्स दे ब्रॉट एंड टू कवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम ऑल ओवर यूरोप। द यूज ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू, यानी फिर सारी यूरोप में क्या हुआ, लैम्प पोस्ट क्या होते हैं, यानी जो बिजली का आपको बड़ा सा पोल नज़र आता है, बिजली का जो खंबा सा होता है उसको कहते हैं, तो ऐसा ऐसा फिर वो जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए, यानी उनको नस्ब कर दिया गया, जिस तरह से आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इन द 1700s लंदन ग्रू रैपिडली एंड बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड। 17 में क्या हुआ कि लंदन जो है वो उसको सेंटर ऑफ ट्रेड कहा जाने लगा, यानी तिजारत का ये एक मरकज़ बन गया। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन और जितना भी अच्छा फैशन वगैरह था वो सारा लंदन में ही सारा लंदन से ही शुरू हुआ। बिजनेस बिकेम इम्पॉर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट। बाय द लेट 17th लंदन हैड सो मेनी स्ट्रीट लैम्प्स दैट विजिटर्स टू द सिटीज वर अमेज्ड बाय देम। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप। और लैम्प्स जो थे उनको फ्यूल किया जाता था, यानी उनको जलाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था, जो बहुत अनप्लेजेंट लगता था, अच्छा नहीं लगता था उसकी स्मेल, एंड ऑफन ड्रिप्ड, और अक्सर वो मतलब टपकते रहते थे उसका जो ऑयल था। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाई हैंड एवरी इवनिंग। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंडन इन द 17th रोट इन हिज डायरी, एज इट वॉज क्वाइट डार्क when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets lie. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights, the city has the appearance of a festive illumination. The lamplighters quickly became an important and valued part of society. यानी lamp lighters जो थे वो ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा important part हो गए थे society के। This was because they often became a key figure in their communities. They would walk the same route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed lit, or put out the lights, they would notice what was going on around them. Many lamplighters helped to make their routes safer. Their job required energy, strength, agility, and reliability. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length. अब ये जो lamplighter की duty थी वो बहुत ज़्यादा energy से, agility यानी फुर्ती के साथ, तेज़ी के साथ और रिलायबिलिटी और बहुत भरोसे के साथ वो अपनी ड्यूटी को पूरा करते थे। और विक क्या होती है, चिराग की बत्ती को कहते हैं, ठीक है, और वो भी बड़ी अच्छे तरीके से उसको ट्रिम करके रखते थे, साफ करके रखते थे। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। और ये जो लैम्प लाइटर की जॉब थी वो अक्सर जो है वो पेरेंट से बच्चे के साथ, मतलब बच्चे की तरफ भी मुंतकिल हो जाती थी, यानी पहले अगर उसके फादर की ये जॉब होती थी तो नेक्स्ट उसके बेटे को ये जॉब दे दी जाती थी। और इस जॉब से जो वो गार्डियन की जॉब करते थे इसे वो बहुत खुश भी होते थे। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन वर डिजाइंड विद अ बार स्टिकिंग आउट on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. Lamplighters moved quickly carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamp lighters. अब जो lamp lighters यानी जो lamp post बनाए जाते थे, ये बिजली के जो pole बनाए जाते थे, वो किससे बनाए जाते थे, bar sticking से बनाए जाते थे। और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते थे और royal उनकी appearance थी, उनके जो lamp post थे वो decorate होते थे royal, यानी शाही look थी उनकी। When gas lamps started to be used for 1805 onwards, they changed the work of the lamp lighter. The gas lamps were much quicker to light and didn't require lots of the work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. Some of lamp lighter felt their job wasn't the same anymore. Charles Dickens captured this feeling in the story The Lamp Lighters. When one character talks about the change from oil to gas lamps, or pick the
देखें कि किस तरह से ऑयल लैंप से गैस लैंप्स में ये सारे जो लैंप हैं वो चेंज हो गए. इन फॉर सी इन दिस द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन देयर इज नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डेलाइट, नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हेड्स एंड बर्नेट्स ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन. अब ये बर्नेट्स ऑफ लेडीज क्या थी, यानी जो लैंप होते थे वो हर वो ड्रिबलिंग करते रहते थे, यानी उनसे ऑयल जो था वो गिरता रहता था, जिसकी वजह से हेड्स और बोनेट्स यानी जो मर्दों के हेड्स होते थे और बोनेट्स यानी वो लेडीज जो अपने सर पे जो कैप्स वगैरह पहनती हैं जो हेड्स की फॉर्म में पहनती हैं वो व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैंप, तो उसकी वजह से उनके ये हेड्स वगैरह भी ख़राब होते थे. गैस लैंप्स वर बेटर देन ऑयल लैंप्स इन मैनी वेज, गैस लैंप्स जो थे वो ऑयल लैंप से काफ़ी बेहतर थे कई तरीक़ों से. ऑल दो अ बिग इशू विद देम वॉज डैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप, हर कोई इसे बुझा भी सकता था ओवर टाइम. गैस लैंप रिप्लेस्ड ऑयल लैंप्स, वक्त के साथ साथ जो है वो गैस लैंप्स की जगह ऑयल लैंप्स आ गए. लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैस लैंप्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैंप्स विच नाउ डोमिनेट मोड ऑफ द ट्रेड. टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैंप्स इन लंदन, 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम. यानी आज अगर हम देखें तो 1500 गैस लैंप्स जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं और 5 लोग जो हैं इसके लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं कि वो इस गैस लैंप को ऑपरेट कर सकें. They light them every evening and put them out every morning. These lights are carefully looked after because they are part of the city history. Kensington Palace Garden is the name of a long avenue in London. It is lined with grand old buildings and is lit entirely by gas lamps. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. अब ये स्टोरी हमें किस चीज़ के अबाउट बताया, ये स्टोरी तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत इजी सी स्टोरी थी. दिस स्टोरी इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रीट लाइटनिंग, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल डिटेल्स इन इट. यू कैन इनकरेज इफ़ यू कैन कंपेयर द डिटेल्स अबाउट लाइटनिंग लाइफ विद मॉडर्न लाइफ इन डिफरेंट एरियाज. रूल्ड मॉडर्न डेवलप्ड एंड इंडिपेंडेंट. आपको पता चला कि किस तरह से ये सारी की सारी स्टोरी में बताया कि पुराना जो लंदन था वो किस तरह का था और जो मॉडर्न लंदन है उसमें क्या चेंजिंग आई और स्ट्रीट लैंप्स जो हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हुए और उनके क्या फ़ायदे हुए. पहले ऑयल लैंप्स यूज़ किए जाते थे, उनके क्या नुकसान थे, उनकी स्मेल अच्छी नहीं थी और वो ड्रिबलिंग करते रहते थे और उनकी जगह फिर गैस लैंप्स जो हैं वो बनाए गए. तो इस तरह से आप अपने नोट्स की तरफ आएँ तो आपके पास वर्ड्स मीनिंग आएंगे और लाइट इन द नाइट के वर्ड्स मीनिंग है हमारे पास इनफोर्स, ताकीद करना या मजबूर करना, वीक चराग की बत्ती, रोम्ड घूमना, एम्प्लॉयड मुलाजिम या रोज़गार पर लगाना, एस्टोनिश्ड हैरान, एडमायरेबल काबिले तारीफ, फेस्टिव त्यौहार, क्रेस्ट चोटी, इल्यूमिनेशन रोशनी, एजिलिटी फुर्ती या चुस्ती, रिलायबिलिटी काबले एतबार, ड्रिबलिंग कतरा कतरा टपकना, एडवांटेज फ़ायदा, री एश्योर्ड यकीन दिलाना, ड्राउन डूबना. तो आज की डायरी में हमारी बुक रीडिंग है और प्लस आपके वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है. तो आपने ये वर्ड्स मीनिंग जो हैं अपनी बुक रीडिंग पे नोट करने हैं और ये बुक रीडिंग दोबारा से आपने करनी है, ठीक है. और जो जो वर्ड आपने मीनिंग लिखना है उसको हाईलाइट भी करना है, ठीक है. और ये आपके वर्ड्स टू नो हैं, बुक पे दो वर्ड्स हैं बस, इनफोर्स यानी ताकीद करना या मजबूर करना, इनफोर्स मीन्स ताकीद करना या मजबूर करना, वीक चराग की बत्ती, ठीक है. तो इसका इंग्लिश में भी आपको उसकी मीनिंग दिया हुआ है और उर्दू में भी आपने इसको नोट करना है, ठीक है.